हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन बर्थ। सुसान सैड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी। अब देखिए जो सुसान होता है वो क्या कहता है कि जो बेबी है उसे, मतलब जो उनकी माँ है उसे क्लोरोफॉर्म मत देना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बेबी है, जो बर्थ लेने वाला है बेबी, उसे क्या होगा, हार्म पहुँचेगा, यानी कि उसे नुकसान होगा। सी इज ऑफुल सैड अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच। हर ओल्ड आईज वॉर्म्ड एट अ सडन थॉट। सी एडेड इन अ लो टोन, वी ऑल आर आई फैंसी। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। देखो वो सारे आपस में बीच में उनके क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो देनी चाहिए मदर को या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे को नुकसान होगा, उसे हार्मफुल होगा वो बच्चे के लिए। तो ये बात, ये क्या है, सी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर। तो डॉक्टर और किसके बीच में ये बात हो रही है, सुसान के बीच में ये बात हो रही है। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। तो उसने बोला कि इट वोंट बी डू एनी हार्म, कि ये किस कोई भी हार्म, यानी कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। द एनेस्थेटिक, ये क्या है, एक एनेस्थीसिया है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है मदर को और बेबी को। ही सेड काइंडली, ऐसा किसने कहा, डॉक्टर ने बोला। दे ऑल बी ऑल राइट, और वो दोनों क्या होंगे, सही होंगे, इससे उन्हें कोई हार्म नहीं होगा। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। अब देखिए उस समय क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में, सुसान और डॉक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम नर्स की आवाज़ आती है टॉप लैंडिंग से, यानी कि ऊपर के रूम से उसकी आवाज़ आती है नर्स की। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, उसी टाइम फिर जो एंड्रयू है वो अपनी घड़ी पे देखता है। एंड्रयू कौन है, डॉक्टर है, तो वो अपने क्लॉक में देख रहा है, अपनी घड़ी में देख रहा है, विच नाउ शोड 3:30। तो उस समय कितना हो गया, 3:30 हो गया, यानी कि 3:30 का टाइमिंग हो गया है। ही रोज, और वो उठता है, एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और वो बेडरूम की ओर जाता है। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और वो, उसने क्या है, अब उसे ये लग गया है कि अब जो है उसका रियल जो वर्क है उस नाइट का, यानी कि जो अब उसका रियल काम है वो अब स्टार्ट हो गया है। एन आर एक्सलेप्ड, इट वॉज अ लॉन्ग हार्स स्ट्रगल। अब उसे पता चल गया कि जो एन आर इलेप्स्ड, यानी कि 1 आवर का टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना लग सकता है। इट वॉज अ लॉन्ग, ये क्या होगा, बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकती है, हार्स स्ट्रगल हो सकता है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिले। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। और जैसे ही क्या हुआ, एक चीख की आवाज़ आई और एक बच्चे ने जन्म लिया। एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न, उस समय क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ लाइफलेस, और वो कैसा था, लाइफलेस था, यानी कि वो कैसा था, डेड था, उसमें जो लाइफ थी वो नहीं थी। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू। और उसी समय जब उसने देखा कि बच्चे में क्या है, लाइफ नहीं है, बच्चा डेड पड़ा हुआ है, तो उसके मन में क्या हुआ, एक जो हॉरर होता है, यानी कि एक डर उसके मन में, डर की एक लहर उसके मन में दौड़ गई, किसके, एंड्रयू के। एंड्रयू कौन है, अगेन डॉक्टर। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, मतलब अब ये क्या है, अब ये उसके मन में डर क्यों पैदा हुआ, क्योंकि उसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि जो बेबी है उसे एनेस्थीसिया जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं हो सकता है, उसे ये लग रहा हो कि कहीं जो फैमिली है वो ये ना सोचे कि हमने इसे मना किया था क्लोरोफॉर्म देने के लिए और इसने तब भी क्लोरोफॉर्म दिया, और इस वजह से जो बच्चा है वो क्या हो गया, बच्चे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सटर्सन्स चिल्ड सडनली, उसके फेस में जो, मतलब क्या था, जो हीटेड था, मतलब ऐसा लग रहा था जो उसके एक्सप्रेशन थे वो क्या हो गए, सडनली ऐसे हो गए जैसे पूरा चेहरा जो है उसका कैसा पड़ गया हो, ठंडा पड़ गया हो। ही हैजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिएट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर हु वॉज हर सेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट। और वो क्या करती है, उसी टाइम जो मदर है वो देख रही है, और वो कैसी है, डेस्परेट स्टेट में, यानी कि वो भी जानना चाहती है कि क्या हुआ है। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्सियसली, ब्लाइंडली इंस्टेंटली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन। और उसे, वो क्या करता है, उस बच्चे को नर्स को दे देता है, और फिर वो किसकी ओर देखता है, टर्न्ड हिज अटेंशन, वो अपना ध्यान जो है वो सुसान मॉर्गन की ओर वो लेके जाता है, हु नाउ ले कोलैप्स्ड ऑलमोस्ट पल्सलेस। उसमें भी क्या है, पल्स नहीं है, एंड नॉट येट आउट ऑफ द आई एदर अपॉन हर साइड। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ
frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine. उसी टाइम वो क्या करता है, उस बच्चे को क्या करता है, इंजेक्ट करता है, यानी कि इंजेक्शन लगाता है मेडिसिन का. देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक स्ट्रिंज एंड, अब वो क्या करता है, जो एक मतलब एक हाइपोडर्मिक क्या होती है, सिरिंज होती है उसमें, तो उस सिरिंज का यूज़ करता है वो. एंड वर्कड अनस्प्रिंगली टू रेस्टोर द फ्लैसिड वुमेन. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened, he saw that he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeves, his hair streaking to his damp brow. और वो क्या करता है, मतलब उस बच्चे को, वो जो उसकी माँ है उसको भी वो क्या करता है, मतलब उसमें वो कैसे उसे एक इंजेक्ट करता है, मतलब इंजेक्शन देता है, और फिर वो जो वुमेन है उसमें भी क्या आ जाती है, लाइफ आ जाती है, तो वो भी ठीक हो जाती है. देखो जब वो माँ को क्या कहता है, जब माँ की उसमें क्या आ जाती है हार्ट, मतलब उसमें सांस आ जाती है माँ में, तो फिर वो क्या कहता है, वेयर इज़ द चाइल्ड, वो पूछता है कि बच्चा कहाँ है. द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर. और उसी टाइम जो है मिडवाइफ वो क्या करती है, एक मतलब उसके मन में जो डर है, डर का भाव वो पैदा होता है. सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड. और उसने जो जो चाइल्ड था उसे उसने कहाँ रख दिया होता, बेड के नीचे रख दिया था. क्यों? क्योंकि उसमें उसने देखा कि उसमें लाइफ नहीं है, वो लाइफलेस है, डेड है वो, तो वो उसे नीचे रख देती है बेड के. इन अ फ्लैश एंड्रयू नील्ड डाउन. और एंड्रयू उसे क्या करता है, नीचे बेड के नीचे से बच्चे को निकालता है. फेसिंग अमंग अस द सडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड. और वो क्या करता है, जो न्यूज़पेपर पड़े हैं बेड के नीचे उन्हें वो लेता है. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, यानी कि न्यूज़पेपर में जो बच्चा रखा था उसे वो बाहर की ओर खींचता है. पुल्ड आउट द चाइल्ड अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड. और उसमें क्या है, मतलब जो बॉय है वो पूरी तरह से, मतलब पूरी शेप में है वो अपनी. द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो. और उस देखिए जो उसकी जो बॉडी है पूरी, वो कैसी है, पूरी वाइट कलर की है. और द कोड हैसली स्लेस्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टीम. द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्चर स्मूद एंड टेंडर. देखिए बच्चों की स्किन कैसी होती है, वेरी स्मूद होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, तो ऐसी उसकी स्किन भी कैसी है, स्मूद और टेंडर है. द हैड लोल्ड ऑन द थिन नेक. और उसका जो हैड है वो एक मतलब पतली सी उसकी गर्दन है, उस पर उसका हैड टिका हुआ है. द लिम्स सीम्ड बोनलेस. और ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो लिम्स हैं वो कैसे हैं, बोनलेस है, उनमें क्या है, बोन नहीं है, हड्डियाँ नहीं है उसमें. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. The whiteness meant only one thing, asphyxia, pallidity, and his mind, unnaturally tense, ragged back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. अब उसी समय देखो क्या हुआ, जब वो बच्चे को देखता है तो उसके सामने एक जो प्रीवियस मतलब एक पहले के टाइम में सेमेरिटन में एक केस उसके सामने ऐसा ही एक केस आया था, तो वही वाला ट्रीटमेंट वो क्या करता है, फॉलो उसके मतलब उसी के सामने ऐसा लगता है कि ये जो केस है दोबारा से उसके सामने आ गया है, तो वो उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करने की यहाँ पर वो सोच रहा है. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. तो ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू क्विक. तो नर्स से बोलता है कि जल्दी जाओ, हॉट वाटर भी लाओ और कोल्ड वाटर भी लाओ. क्या कहता है, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, यानी कि गर्म पानी भी लाना है आपको और कोल्ड वाटर ठंडा पानी भी लेके आना है. ही थ्रू आउट टू द नर्स. और वो नर्स से ऐसा बोलता है, एंड बेसिन्स टू क्विक, वो बोलता है कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी गर्म पानी लाओ और ठंडा पानी लाओ. बट डॉक्टर सी फ्लैटर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड. वो बोलती है कि बट डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर वो इतना ही कहती है, फिर वो बच्चे की बॉडी की ओर देखती है. क्विक ही साउटर. और इतने में जो डॉक्टर होता है एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू वो जोर से चिल्लाता है, वो बोलता है कि क्विक जल्दी करो जल्दी करो. ठीक है, तो इसमें देखिए इसके आगे की स्टोरी में क्या होता है ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.